तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे इस चैनल अनुज स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 11th के जो भी स्टूडेंट नामांकन के लिए प्रोसेस ऑनलाइन किए, तो इसके लिए स्टूडेंट के लिए खास नोटिफिकेशन बिहार द्वारा जारी किया गया है। तो क्या है यह नोटिफिकेशन, बिहार बोर्ड द्वारा आया, सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। किस तरह से सूची जारी किया गया और कैसे अपना सूची को चेक करना है और एडमिशन का प्रोसेस क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऑनलाइन आपको एडमिशन लेना है, किस तरह से एडमिशन लेना है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो जैसा कि यह बिहार बोर्ड द्वारा सूची जारी किया गया है और किस तरह से आपको चेक करना है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में होगी मेघा सूची, आवेदकों को ईमेल पर दी जाएगी सूचना। जी हाँ मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन किए थे वैसे स्टूडेंट को ईमेल पर दी जाएगी सूचना, कहाँ से आपको कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन होगा और किस तरह से आपको चेक करना है सूची में आपका नाम आया है या नहीं आया है। तो इसमें देखिए, ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट यानी ओएफएसएस के जरिए इंटरमीडिएट के नामांकन की जून के पहले प्रथम सप्ताह में समाप्त 3 या 4 जून को मेघा सूची जारी कर दी जाएगी। इस सूची में आवेदकों को ईमेल पर सूचना दे दिया जाएगा। वहाँ से आप अधिकारियों के जानकारी के मुताबिक नामांकन के लिए 12,80,000 बच्चे ऑनलाइन आवेदन किए थे, 12,80,000 आवेदन आया था ऑनलाइन के प्रोसेस में। और इसमें देखिए बोला जा रहा है कि बिहार इंटरमीडिएट के कॉलेज एवं स्कूलों के शुरुआत के दौर पर 15.5 लाख से अधिक सीट निर्धारित किया गया था, यानी एडमिशन की जो प्रोसेस था वे 15 लाख सीट जारी किया गया था, लेकिन इसके साथ में 15 लाख इनमें करीब 60,000 सीट और जुड़ गई है। जी हाँ मेरे दोस्त, 60,000 जुड़ उसमें 15 लाख में 60,000 सीट और प्लस पॉइंट कर दिया गया है वहाँ से, ताकि सभी स्टूडेंट को एडमिशन हो जाए। जानकारी के मुताबिक इस बार कंप्लीमेंट्री सह विशेषता में परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए ऑफिस के जरिए नामांकन का मौका दिया जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट इस बार 10th कंप्लीमेंटल से एग्जाम दिए थे वे पास कर गए हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए ऑफिस के जरिए ही इंटरमीडिएट में आपका नामांकन होगा, उसके लिए खास उसमें जल्द प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी, यानी वैसे स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन की प्रोसेस शुरुआत कर दिया जाएगा और वैसे स्टूडेंट को ऐसे दूसरे राउंड में मेघा सूची में शामिल कर दिया जाएगा। यानी जो भी स्टूडेंट इस बार कंप्लीमेंटल से एग्जाम दिए थे वे पास कर गए हैं, वैसे लिए स्टूडेंट के एफएसएस के जरिए एक सूचना निकाला जाएगा, यानी ऑनलाइन की प्रोसेस का डेट निकाला जाएगा और वहाँ से आप ऑनलाइन करिएगा और सेकेंड राउंड में मेघा सूची जारी किया जाएगा, वहाँ से आप सेकेंड राउंड में आपको एडमिशन ले लिया जाएगा और प्रोसेस सेम आपको जो भी स्टूडेंट इस बार कंप्लीमेंटल से एग्जाम देकर पास किए हैं वैसे स्टूडेंट का सेशन जो है वे सेम ही, यानी जो भी स्टूडेंट 19 से 21 कंप्लीमेंटल का जो एग्जाम दिए थे वैसे स्टूडेंट का सेशन जो है गड़बड़ाएगा नहीं, सेम चलेगा। इसमें देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि उल्लेखिए दूसरे राउंड मेघा सूची 12 से 15 जून के बीच में जारी कर दिया जाएगा। और इसमें देखिए, स्टूडेंट को बता रहा है कि 7वें विकल्प में एडमिशन जरूर ले, विद्यार्थी के चाहिए वे मेघा सूची के 7वें विकल्प में एडमिशन जरूर ले, ताकि उन्हें पास प्रवेश से एक विकल्प सुरक्षित रहे। इसके बाद वे ओएफएसएस की वेबसाइट पर जाकर कॉलेज स्कूल को अपग्रेड करें और विकल्प का इस्तेमाल करें। इससे परिस्थिति में अगर कोई दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो वे पहले कॉलेज की फीस से दूसरे कॉलेज की फीस दर्ज किया जाएगा। यानी जो भी स्टूडेंट जिस कॉलेज का आपने चूज किया है वैसे कॉलेज में एडमिशन अगर नहीं होता, दूसरे कॉलेज में आपको अगर एडमिशन दिया जाता है तो फर्स्ट कॉलेज में जो आप वहां से आपको जो पैसा लगा हो, वैसे स्टूडेंट जो सेकंड जो आपको जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए मेघा सूची में आएगा तो उसी फीस पर आपको एडमिशन ले लिया जाएगा। तो यह था छोटा सा नोटिफिकेशन, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट